गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंग्लिश क्लास, स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास टू। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 9। दिस इज पेज नंबर 9। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन डेट, सी डब्ल्यू एंड डे। टुडे वी विल डू लेसन 2। द टॉपिक ऑफ लेसन 2 इज एडजेक्टिव्स, ए डी जे ई सी टी आई वी ई एस, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें किसी भी चीज़ की क्वालिटी का बताते हैं। इनको हम यूजुअली नाउंस के साथ यूज़ करते हैं और ये हमें नाउंस के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, यानी कोई भी चीज़ बताते हैं हमें नाउंस के बारे में। विच टेल्स अस अबाउट क्वालिटी ऑफ समथिंग। वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग मोर अबाउट अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ये पर्सन, प्लेस और ये थिंग, ये क्या होते हैं? ये नाउंस होते हैं। ऐसे वर्ड्स जो कि हमें किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में मज़ीद बताते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिलो देम। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास, इनके नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनमें से हमने देखना है कि एडजेक्टिव्स कौन से हैं। लुक हियर, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये कैट है। ये कैसी है? इसका कलर कैसा है? इसका ग्रे कलर है, ग्रे कैट। यहाँ पर ये वाला वर्ड जो यूज़ हुआ, जी आर ई वाई, ग्रे, इससे हमें पता चला कि इस कैट का कलर ग्रे है। सो ये वाला वर्ड एडजेक्टिव है, ग्रे कैट में ग्रे एडजेक्टिव है। टाल मैन, ये मैन है, ये कैसा है? ये टाल है। ये वाला वर्ड जो यूज़ हुआ, टाल, इससे हमें मैन के बारे में पता चला कि वो टाल है। सो टाल मैन में टाल एडजेक्टिव है, ये हमें मैन के बारे में बता रहा है। फाइव लाइन्स, ये लाइन्स, इनका नंबर कितना है? 5 है। इस वर्ड से हमें पता चला कि इन लाइन्स का नंबर कितना है, ये कितने हैं। सो फाइव लाइन्स में 5 एडजेक्टिव होगा। लेट अस अंडरस्टैंड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन लिस्ट। यहाँ पर एक लिस्ट है हमारे पास, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनके नीचे पिक्चर्स हैं। इन वर्ड्स को यूज़ करके, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, इन एडजेक्टिव्स को यूज़ करके और इन पिक्चर्स की हेल्प से हमने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। क्या एडजेक्टिव्स हैं? ग्रीन, लॉन्ग, फैट, टाइनी। नंबर 1, डैश ग्रास। ये देखें पिक्चर में, ये क्या है? ये ग्रास है। ये कैसी है? ग्रीन कलर की है। सो आप कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करेंगे इस लिस्ट से? सबसे पहला वाला, फर्स्ट वन, जी आर डबल ई एन, ग्रीन, जी आर डबल ई एन। यहाँ पर आप पेंसिल से लिखेंगे जी आर डबल ई एन, ग्रीन, ग्रीन ग्रास। नंबर 2, डैश कैट। ये कैट है, ये कैसी है? फैट है। तो आप क्या एडजेक्टिव यूज़ करेंगे? एफ़ ए टी, फैट, एफ ए टी, फैट लिखेंगे यहाँ पे, फैट कैट। ये वाला एडजेक्टिव यूज़ किया आपने। नंबर 3, डैश स्नेक। लुक हियर, ये क्या है? ये एक स्नेक है। ये कैसा है? ये लॉन्ग है, लंबा है। ये वाला एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, एल ओ एन जी, लॉन्ग, एल ओ एन जी, लॉन्ग, लॉन्ग स्नेक, लंबा सांप। नंबर 4, डैश रैट। ये रैट है, ये कैसा है? ये छोटा सा है, टाइनी है, टी आई एन वाई, टाइनी, टाइनी मीन्स छोटा, टाइनी रैट। यहाँ पर आप लिखेंगे टी आई एन वाई, टाइनी, टाइनी रैट, छोटा रैट। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 10, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पर एक पैसेज है हमारे पास, पैराग्राफ है, इसमें कुछ एडजेक्टिव्स यूज़ हुए हुए हैं। इनमें से हमने जो एडजेक्टिव्स होंगे उनको अंडरलाइन करेंगे। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और साथ साथ एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करते जाएंगे। वन संडे जैक एंड टॉम डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ पिकनिक इन द नियर बाय हिल्स। एक संडे को जैक और टॉम ने करीब की हिल्स में पिकनिक पर जाने का फैसला किया। नियर बाय हिल्स, हिल्स नाउन है, हिल्स का बारे में हमें पता चल रहा है नियर बाय, इस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि वो करीब में है। सो ये वाला वर्ड जो होगा नियर बाय, ये
एडजेक्टिव होगा, इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे। नियर बाय हिल्स में नियर बाय एडजेक्टिव है। इट वॉज अ प्लेजेंट डे, प्लेजेंट डे, डे कैसा था, प्लेजेंट था, खुशगवार था, प्लेजेंट एडजेक्टिव है, इसको अंडरलाइन करेंगे। आफ्टर पैकिंग सम फूड एंड ड्रिंक्स इन अ बैग दे सेट आउट ऑन देयर जर्नी, एक बैग में अपने कुछ फूड और ड्रिंक्स को पैक करने के बाद वो अपने सफ़र पे रवाना हुए। दे टुक अ नैरो पाथ विच टुक देम अप अ स्टीप हिल, नैरो पाथ, तंग रास्ता, ये पाथ है, पाथ कैसा है, तंग है। इस वर्ड से हमें पता चला पाथ के बारे में कि वो कैसा है, सो ये वाला वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। दे टुक अ नैरो पाथ, वो एक तंग रास्ते पे गए, उन्होंने एक तंग रास्ता लिया, विच टुक देम अप अ स्टीप हिल, जो कि उनको एक स्टीप हिल पे ले गया। स्टीप हिल यानी खड़ी पहाड़ी जो कि बिल्कुल सीधी होती है, जिस पे चढ़ना मुश्किल होता है। हिल, हिल क्या है, पहाड़ी है, इसके बारे में हमें इस वर्ड से पता चल रहा है कि ये कैसी है, स्टीप है, सो ये वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा, इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे। द स्लोप्स वर कवर्ड विद डेंस ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पाथ, रास्ते के दोनों तरफ जो ढलवाने थी वो घने दरख्तों से ढकी हुई थी। डेंस ट्रीज, घने दरख्त, ट्रीज कैसे हैं, डेंस हैं, ये वाला वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, इसको आप लोगों ने अंडरलाइन किया। सो कौन कौन से एडजेक्टिव से, नियर बाय, प्लेजेंट, नैरो, स्टीप एंड डेंस, इस पैसेज में हमारे पास ये वाले एडजेक्टिव्स थे, इनको हमने अंडरलाइन किया। एक्सरसाइज बी, लुक एट द पिक्चर बिलो, कम्प्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग एन एडजेक्टिव फ्रॉम द लिस्ट बिलो, राइट द सेंटेंसेज इन योर नोटबुक। यहाँ पर एक पिक्चर है हमारे पास, इसके नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इस पिक्चर की हेल्प से और इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने इन सेंटेंसेज को कम्प्लीट करना है। इन सेंटेंसेज में कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। यहाँ पर देखें इस पिक्चर में, वट कैन यू सी इन दिस पिक्चर, अ यंग लेडी स्टैंडिंग ऑन अ बस स्टॉप, अ बस और शॉप, शॉप के ऊपर देखें ये क्या है, ये कैट है येलो कलर की, ये शॉपकीपर भी है। यहाँ पर देखें लिस्ट, देखें वर्ड्स की, शॉप, रेड, यंग, येलो, बाल्ड, बाल्ड मीन्स गंजा। नंबर वन, द डैश लेडी इज वेटिंग फॉर अ बस, ये लेडी कैसी हैं, यंग हैं, सो कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करेंगे यहाँ से, वाई ओ यू एन जी, यंग, द यंग लेडी इज वेटिंग फॉर अ बस, यहाँ पर आप यंग लिखेंगे, वाई ओ यू एन जी, यंग, द यंग लेडी इज वेटिंग फॉर अ बस। नंबर टू, शी इज़ वियरिंग अ डैश हैट, उनका हैट देखें किस कलर का है, रेड कलर का, तो आप क्या लिखेंगे, ये वाला एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, आर ई डी, रेड, शी इज़ वियरिंग अ रेड हैट, आर ई डी, रेड, शी इज़ वियरिंग अ रेड हैट। नंबर थ्री, देयर इज़ अ डैश अक्रॉस द रोड, रोड के साथ क्या थी, शॉप थी, ये क्या है, ये एक शॉप है, देयर इज़ अ शॉप, एस एच ओ पी, शॉप, देयर इज़ अ शॉप अक्रॉस द रोड, ये वाला एडजेक्टिव हमने यूज़ किया, देयर इज़ अ शॉप अक्रॉस द रोड। नंबर फोर, द डैश मैन इज द शॉपकीपर, मैन कैसा था, गंजा था, बाल्ड था, ये वाला एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, बी ए एल डी, बाल्ड, ये देखें ये मैन कैसा है, गंजा है, बाल्ड है, द बाल्ड मैन इज द शॉपकीपर, बी ए एल डी, बाल्ड। नंबर फाइव, देर इज़ अ डैश कैट सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ द शॉप, देर इज़ अ येलो कैट, कैट का देखें क्या कलर था, येलो, ये वाला एडजेक्टिव आप यूज़ करेंगे, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, येलो, देर इज़ अ येलो कैट सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ द शॉप, येलो, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, येलो, देर इज़ अ येलो कैट सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ द शॉप। नाउ पेज नंबर 11, एक्सरसाइज सी, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो बाय टिकिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे पास, इनमें टू ऑप्शंस हैं, इनमें से हमने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसको टिक करना है, जो राइट ऑप्शन होगी उसको आप लोग पेंसिल से टिक करेंगे लाइक दिस। नंबर वन,
She was feeling hot or thirsty, so she bought a cold drink for herself. वो अपने लिए क्या लेकर आई थी? कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी, तो वो क्या फील कर रही थी? थर्स्टी फील कर रही थी. हॉट और थर्स्टी में से आप लोग कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? थर्स्टी, THIRSTY. थर्स्टी इज़ द राइट ऑप्शन, इसको आपने टिक किया. नंबर टू, अमंडा लव्स प्लेइंग ऑन द सैंडी और हैवी बीच. बीच कैसा होता है? सैंडी होता है. अमंडा सैंडी बीच पर खेलना पसंद करती है. सैंडी, SANDY, सैंडी इज़ द राइट ऑप्शन, इसको आप लोग टिक करेंगे. नंबर थ्री, मैरीज डॉल हैज़ स्लिम और करली हेयर. मैरी की डॉल के बाल करली थे, तो आप लोग क्या टिक करेंगे? CURLY, करली. करली को आपने टिक किया. नंबर फोर, मर्सी हेट्स टू सी अ मैसी और नीट रूम वेयर एवरीथिंग इज इन डिसऑर्डर. मर्सी हेट्स टू सी अ मैसी रूम. मैसी रूम कैसा होता है? गंदा रूम. उसको गंदा रूम पसंद नहीं है. वेयर एवरी थिंग इज़ इन डिसऑर्डर, जहाँ पर हर चीज़ बिखरी हुई हो. मर्सी हेट्स टू सी अ मैसी रूम वेयर एवरी थिंग इज़ इन डिसऑर्डर. मैसी को आप लोगों ने टिक किया. एक्सटेंडेड एक्सरसाइज, रीड द पैसेज प्रोवाइडेड. द स्टोरी टेलर हैज़ यूज्ड अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स. पिक एडजेक्टिव्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक. यहाँ पर एक पिक्चर है हमारे पास, इसके नीचे एक पैसेज है. इस पिक्चर में क्या हो रहा है देखें, एक बर्थडे पार्टी हो रही है इस बॉय की. हु इज़ ही? ही इज़ टेड. टेड की बर्थडे पार्टी हो रही है. इसके नीचे एक स्टोरी लिखी है हमारे पास, शॉर्ट स्टोरी है ये. इसमें कुछ एडजेक्टिव यूज हुए हैं, इनको हमने सर्कल करना है. लेट्स रीड इट. टेड डिड नॉट नो दैट अ बिग सरप्राइज वॉज अवेटिंग हिम दैट डे. टेड नहीं जानता था कि एक बड़ा सरप्राइज उसका उस दिन इंतज़ार कर रहा था. अ बिग सरप्राइज, सरप्राइज कैसा था? बिग था, बिग एडजेक्टिव है, इसको आप लोगों ने सर्कल किया. इट वॉज हिज 7th बर्थडे. ये उसकी कौन सी बर्थडे थी? 7th थी. 7th को आप लोगों ने सर्कल किया, ये भी एडजेक्टिव है. मॉम एंड डैड बॉट अ रेड बाईसाइकिल. बाईसाइकिल कैसी थी? रेड कलर की थी. रेड एडजेक्टिव है, इसको भी सर्कल करेंगे. दे हैड ऑल्सो अरेंज्ड अ नाइस पार्टी फॉर हिम. उन्होंने उसके लिए एक अच्छी पार्टी अरेंज की थी. पार्टी कैसी थी? अच्छी थी. नाइस पार्टी, नाइस पार्टी में नाइस एडजेक्टिव है, नाइस को सर्कल करेंगे. ऑल हिज बेस्ट फ्रेंड्स वर इन्वाइटेड. उसके तमाम अच्छे फ्रेंड्स इन्वाइटेड थे. बेस्ट फ्रेंड्स में बेस्ट एडजेक्टिव है, इसको सर्कल करेंगे. टेड्स फेवरेट स्नैक्स. फेवरेट स्नैक्स में फेवरेट एडजेक्टिव है, इसको सर्कल करेंगे. स्ट्रॉबेरी केक, रिबन सैंडविचेस, चॉकलेट डोनट्स एंड चीज़ बॉल्स हैड बीन ऑर्डर. टेड के फेवरेट स्नैक्स जो थे स्ट्रॉबेरी केक, रिबन सैंडविचेस, चॉकलेट डोनट्स और चीज़ बॉल्स को भी ऑर्डर किया गया था. स्ट्रॉबेरी केक में स्ट्रॉबेरी एडजेक्टिव है, इसको अंडरलाइन किया. रिबन को भी सर्कल किया आपने, चॉकलेट को भी सर्कल किया और चीज़ को भी सर्कल किया. ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं, ये हमें इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि ये किन चीज़ों से बनी हैं, ये कैसी हैं. सो ये क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं. फेवरेट, स्ट्रॉबेरी, रिबन, चॉकलेट, चीज़, इनको आप लोगों ने सर्कल किया. यस, दिस इज़ द एंड ऑफ लेसन टू. You will do all exercises on your book with pencil. Now it's time to say goodbye. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.